नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जिनेवा में एनएसजी को लेकर भारत और स्विट्जरलैंड में बनी बात, काले धन पर भी सहयोग के लिए पीएम मोदी ने कहा शुक्रिया। पाकिस्तान में हाफिज सईद और मसूद अजहर ने उगला जहर, अमेरिका और भारत को दिखाई पाकिस्तान के परमाणु बम की हेकड़ी। मसूद अजहर का दावा, मुझे पाने के लिए भारत ने तालिबान को दिया था पैसों का ऑफर। गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में अब 9 जून को होगा सजा का ऐलान, मामले में 24 आरोपी ठहराए गए हैं दोषी, विशेष अदालत ने 36 आरोपियों को किया था बरी। सुशील कुमार को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका, पहलवान नरसिंह से ट्रायल की अर्जी की रद्द, अब नरसिंह यादव के रियो जाने का रास्ता साफ। दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, ब्रह्मपुरी इलाके में मां और दो बेटियों की हत्या, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली में जंगल राज। पुडुचेरी में बनी कांग्रेस की सरकार, नारायण सामी ने ली 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ, सामी के अलावा 5 और मंत्रियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। 5 देशों की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति जोहान अम्मान से मुलाकात की। इस दौरान मोदी ने भारत के लिए सबसे अहम मानी जा रही सहमति हासिल कर ली है। स्विट्जरलैंड ने एनएसजी में भारत की एंट्री का समर्थन करने की बात कही है। इस पर पीएम मोदी ने स्विट्जरलैंड का शुक्रिया अदा किया है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद संयुक्त संबोधन में पीएम मोदी ने कहा काले धन और कर चोरी की समस्या का मुकाबला करना हमारी साझी प्राथमिकता है। कर नियमों का उल्लंघन करने वालों को न्याय के घेरे में लाने के लिए हमने सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान की जरूरत पर बातचीत की। स्विट्जरलैंड के बाद पीएम मोदी आज अमेरिका के लिए रवाना होंगे, जहां उन्हें कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करना है। पिछले 2 साल में पीएम मोदी का ये 4था अमेरिकी दौरा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद और जैश चीफ मसूद अजहर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान में खुलेआम रैली कर रहे हाफिज ने अमेरिका और भारत पर हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिका भारत के हवाई अड्डों पर ड्रोन तैनात कर रहा है, जिससे पाकिस्तान के शहरों पर हमला किया जा सके, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान अपने ड्रोन से भारत पर परमाणु हमले करेगा। वहीं जैश चीफ मसूद अजहर ने यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह का जमकर मजाक उड़ाया। मसूद अजहर ने दावा किया कि 1999 में कांधार हाईजैक के दौरान विमान के यात्रियों और क्रू की अदला बदली के बाद भारत ने तालिबान सरकार को पैसों का ऑफर दिया था ताकि वो मसूद और उसके 2 अन्य साथियों को पकड़कर उसके हवाले कर दे। अजहर ने कहा कि तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने ये ऑफर तालिबान के चीफ मुल्ला अख्तर मोहम्मद मंसूर को दिया था, जो पिछले महीने अमेरिका के ड्रोन हमले में मारा जा चुका है। और अब अगली खबर है गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड से जुड़ी। मामले में अब सजा का ऐलान 9 जून को किया जाएगा। वैसे इस पर फैसला आ जाना था। इससे पहले 2 जून को विशेष अदालत ने इस मामले में 24 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जबकि 36 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। आपको बता दें कि 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कोच संख्या S6 में भीड़ ने आग लगा दी थी। इस घटना में 78 कार सेवक मारे गए थे। इस घटना में 58 कार सेवक मारे गए थे। इसके एक दिन बाद 28 फरवरी को गुलबर्ग सोसाइटी पर हमला हुआ था। हमले में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोगों की मौत हो गई थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पहलवान सुशील कुमार का रियो ओलंपिक में खेलने का सपना टूट गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान नरसिंह यादव के खिलाफ उनकी ट्रायल की अर्जी खारिज कर दी और इसी के साथ कोर्ट ने नरसिंह यादव के रियो जाने का रास्ता भी साफ कर दिया है। अदालत ने कहा कि रियो ओलंपिक में जाने का समय अब कम बचा है और ट्रायल से पहलवानों को चोट आ सकती है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ ट्रायल के पक्ष में नहीं है और हम उनकी स्वायत्तता पर सवाल नहीं उठा सकते। आपको बता दें कि सुशील ने दिल्ली हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि रियो ओलंपिक में जाने के लिए ट्रायल करवाया जाए और इसमें जीतने वाले को ही रियो भेजा जाए, लेकिन जज ने सुशील कुमार की मांग को ठुकरा दिया है। और अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जो रविवार को ट्रिपल मर्डर से दहल गई। वारदात उस्मानपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी इलाके की है, जहां 50 साल की सायरा के साथ उनकी 2 बेटी शबनम और निशा की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर का ताला तोड़ा तो तीनों के शव मिले। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला के पति की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है और अभी ये साफ नहीं हो पाया कि हत्या के पीछे कौन है। इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में पूरी तरह जंगल राज है,
उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराज्यपाल नजीब जंग को जिम्मेदार ठहराया है। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि दिल्ली में पूरी तरह जंगल राज है, उपराज्यपाल और मोदी जी बुरी तरह विफल रहे, यहाँ कानून और व्यवस्था की गिरती हालत को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने क्या किया। और अब खबर पुडुचेरी से, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी नारायण सामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नारायण सामी पुडुचेरी के 10वें मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं नारायण सामी के साथ 5 और मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। आपको बता दें कि 30 सदस्यीय पुडुचेरी विधानसभा में कांग्रेस गठबंधन ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें कांग्रेस 12 और उनकी सहयोगी द्रुमक ने वहां की 2 सीटों पर कब्जा किया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।